हेलो जी गुड मॉर्निंग एवरीवन गुड मॉर्निंग भारती नरेन बी अवेयर तो एक बार मुझे आवाज़ के बारे में बता दो आवाज़ आ रही है कि ठीक ठाक आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट इट मैं भी चेक कर लेता हूँ ठीक है तो so, ये है अपना करंट अफेयर अपन इसमें कर रहे हैं एंड नवंबर दो हजार इक्कीस अपना चल रहा है लास्ट पार्ट है पार्ट थ्री नवंबर दो हजार इक्कीस का आज अपना और उसके अलावा अपन ने यूपीएससी रिविजन शुरू कर दिया है ट्वेंटी ट्वेंटी टू प्रिलिमिनरी के लिए आर्ट एंड कल्चर अपना चल रहा है क्लास टू पी एम तो पंद्रह मिनट पहले शुरू होगी एक पैंतालीस पे, पे शुरू होगी क्लास क्योंकि ढाई बजे अपन इसको कंप्लीट कर देंगे टाइम में थोड़ा सा चेंज है टू की बजाय वन फोर्टी फाइव तो इसको कर लेंगे तीन स्लॉट में अपने रिवीजन चल रहे हैं साढ़े पाँच से साढ़े छः एक पैंतालीस से दो तीस और साढ़े आठ से लाढ़े नौ दस बजे तक ठीक है करंट अफेयर अपना चल ही रहा है अब एन सी आर टी अपन आर्ट एंड कल्चर से शुरू किए उसके बाद हिस्ट्री और जोग्राफी अपन करेंगे और चैनल की कुछ प्ले लिस्ट जो आप देख सकते हैं के जी एफ चाय पे पर डाकू एच सी एस मैराथन एंड यू पी एस सी रिविज़न इस वीकेंड पे जो क्लास रहेगी अपनी वो रहेगी पॉलिटी एम सी क्यू रिविजन क्लास जिसमें अप्रॉक्सीमेटली सिक्सटीन फिफ्टी एम सी क्यू से अपन कंप्लीट पॉलिटी का रिविजन करेंगे एंड दिस इज अबाउट मी माई नेम इज डॉक्टर अमित रेस्ट ऑफ द डिटेल्स यू कैन सी इन द स्लाइड इफ यू न्यू टू आवर चैनल सो नाउ लेट स्टार्ट विद पी डी एफ ऑल्सो जो नए स्टूडेंट हैं सारे की सारी जो पी डी एफ हैं वो मैं एप्लीकेशन पे शेयर करता हूँ प्लस टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता हूँ जिनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप वहां से इसको एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए उसके बाद आप अपना कर सकते हैं ठीक है तो आ, अभी जो जो आ गए हैं दीक्षा संदीप ठीक है राहुल एंड प्रिया गुड इवनिंग विकास गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग ठीक है चलो अब अपन शुरू करते हैं राहुल कई दिन बाद दिख रहे है यार कहाँ रह गए थे चलो देखो इंटरनेशनल रिलेशन वाला है अपना टॉपिक नंबर सेवन तो पे क्या था कि मोरिश कैनियन बेसिन तो चार वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज हैं जिन्होंने ये एक एक्वेफर बेसिन मतलब नीचे नहीं होता है अपने जो ठीक है पानी जो भरा होता है वो एक्वेफर अपना बेसिन होता है जैसे ग्रेट आर्टिशियन बेसिन आपके ऑस्ट्रेलिया का है तो उस हिसाब से तो इन्होंने कंजर्व करने के लिए एक बेसिकली एक आर्गुमें एग्रीमेंट किया है और कंजर्वेशन की जरूरत क्यों क्योंकि मैक्सिमम जो आपका पानी आता है पीने का पानी वो यहाँ से आता है तो ये कौन कौन सी कंट्री है इतना इंपॉर्टेंट ये न्यूज नहीं है गैम्बिया ठीक है गेनी बिसाउ मरेशियाना सेनेगल तो इन्होंने एक लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क यहाँ पे अपना सेट किया है ठीक है गुड मॉर्निंग कई दिन बाद सुमन भी कई दिन में ज्वाइन कर रही है ऑल गुड सुमन नाउ ऑल फाइन देखो फिर ये जो है इट इज़ द लार्जेस्ट बेसन इन एटलांटिक मार्जिन ऑफ नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका ठीक है तो अफ्रीका के कंटेक्स में लार्जेस्ट है दैट्स इट अब अगली जो न्यूज है हमारी आई आर में ये टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स प्रोग्राम देखो ऐसे सवाल बार बार पूछे जाते हैं मतलब ऑर्गेनाइजेशन का किस टाइप का स्ट्रक्चर है ठीक है एनजीओ है इंटर गवर्नमेंटल है तो ये सारे की सारी चीज़ें अपने से पूछी जाएंगी तो ये यहाँ पेलिस के साथ इन्होंने टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बोर्ड जैसे डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है और प्रेस विदाउट तो ये थे इंडिया ने ससिल्स के साथ यही बस ध्यान में रखना अपने को ठीक है चलो ठीक है ओके सुमन एंड बबीता गुड मॉर्निंग ठीक है राहुल अगले दिनों में कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए जितना maximum हो उसके स्टिक टू द प्रोग्राम ठीक है डिसिप्लिन के साथ चलना है तो ये देखो बारह महीने का इसका ड्यूरेशन था ये बेसिकली एक अवेयरनेस और इस काइंड ऑफ चीज़ हो जाएगी ठीक है और कुछ नहीं है ये वैसा नहीं है ये कम्प्लीटली एक ऑर्गेनाइजेशन जैसी भी चीज़ नहीं है ठीक है ये सिर्फ एक प्रोग्राम है अवेयरनेस प्रोग्राम ठीक है अब देखो नेक्स्ट क्या है इट इज एन ज्वाइंट इनिशियटिव ऑफ यू एन डी पी एंड ओ सी डी ये दोनों चीजें ध्यान में रखनी है एक मैंने क्या कहा था लिस्ट भी बनाएंगे यू एन डी पी यू एन ई पी कौन से यूएन वाले तो बिल्कुल ही डब्लू एच ओ ये सब सारे अपने को रखने हैं तो ये इन दोनों ने मिल के शुरू किया है यू एन डी पी ओ सी डी ओ सी डी में कल अपन ने देखा भी था बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग तो ये उससे ही संबंधित थोड़ा थोड़ा हो जाएगा ठीक है तो ये सारे अपने हैं अभी तो द्रोट पेन इज ठीक है अभी चल रहा है काम हो जाएगा ये कल आज कल में ठीक हो ही जाएगा देखो थैंक यू फॉर आस्किंग एंड नेक्स्ट अपना जो न्यूज है इट इज अबाउट रोहिंग क्राइसिस ये सवाल ऑलरेडी पूछा जा चुका है अब यहाँ पे ये अपन ने पहले भी देखा था बसन चार आइलैंड जो है उस पर इसको शिफ्ट कर रहे हैं इक्यासी हजार रोहिंग्या को मूव कर रहे हैं बस

डायलेक्ट ये बोलते हैं अब हुआ क्या था कि जैसे म्यांमार में सिटीजनशिप जो देने वाले थे तो इन्होंने मतलब उस टाइम पे पहले रहते थे उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे उसके हिसाब से सिटीजनशिप मिलने भी वाली थी बट बीन डिनाइड सिंस 1982 और नाउ दे आर लाइक स्टेटलेस पीपल ठीक है रिफ्यूजी क्राइसिस में सबसे इंपॉर्टेंटली अभी इनके डिस्कशन में चलता रहता है और हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है बिकॉज दे आर इन नेबरहुड ठीक है उसके बाद जैसे दे लिव इन द वेस्टर्न कोस्टल साइड ऑफ राखी ने स्टेट ये स्टेट का भी नाम ध्यान रखना है स्टेट ऑफ राखी ने ठीक है थोड़ी सी डिटेल में बता रखे हैं जैसे इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद इन्होंने नाइनटीन फोर्टी एट में यूनियन सिटीजनशिप एक्ट आपका पास किया था जिसमें डिफाइन किया था कि एथनिक सिटीजिन को सिटीजनशिप मिलेगी ठीक है फिर तो बाद में इन्होंने कुछ रूल्स डाल दिए थे कि जो फैमिलीज हु हैड लिव्ड इन म्यांमार फॉर एटलीस्ट टू जनरेशन वो आपके आइडेंटिटी कार्ड वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हैं इनिशियली दे वर गिवन आइडेंटिफिकेशन एंड इवन सिटीजनशिप और कई ने तो पार्लियामेंट में भी काम किया है जैसे इंडिया में एनआरसी और वो वाला जो इशू आ रहा था असम वाला कई लोगों ने आर्मी में भी सर्व किया है और हेल्प मतलब बहुत काम भी किया है देश के लिए बट स्टिल उनका नाम नहीं आ पा रहा था तो ये इशू चलते हैं यहाँ पे पूरा का पूरा एथनिक ग्रुप ही नहीं माना जा रहा ठीक है थेके? तो यहाँ पे एक हम वो भी बोल सकते हैं जो अपना अच्छा ये बताइए विच सवाल पूछता हूँ विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ रेस एक भी हो सकता है दो भी हो सकते हैं तीन भी हो सकते हैं बताओ Good morning and get late okay I find the hundred rupees. फिफ्टीन एंड सिक्सटीन ठीक है दोनों ही आएंगे ओनली फिफ्टीन नहीं, फिफ्टीन एंड सिक्सटीन बहुत ठीक है सभी बता दिए ठीक है वेरी गुड नरेंद्र भारती सुमन प्रिया संदीप ठीक है सब लोगों ने बता दिया है चलो अब हम आगे चलते हैं देखो ये भी अपन ने देखा था इंडिया री एलेक्टेड टू यू एन एच आर सी ह्यूमन राइट काउंसिल ठीक है तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है कि हम अच्छा वो सिक्योरिटी काउंसिल वाली शायद न्यूज थी यहाँ ह्यूमन राइट काउंसिल वाली भी है शायद हो सकता है ये उसमें तो तिरानवे में, में से अब यहाँ पे जो, जो काउंसिल के दिस सारे के सारे मेंबर नहीं बनते ठीक है जो हमारा पी फाइव प्लस टेन वाला सिस्टम है तो ये आपका यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का है ह्यूमन काउंसिल में आपके फोर्टी सेवन ठीक है ये देखो मेंबर होते हैं जो अलग अलग हम रीजन से लेते हैं जैसे कि ग्रुप ऑफ अफ्रीकन स्टेट से तेरह एशिया पैसिफिक से तेरह ठीक है ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट से छह लैटिन कैरेबियन से आठ और ऐसे ही वेस्टर्न यूरोपियन और अदर से आप सात लेते हो तो इनका मिला मुलवा के अपना हो जाता है तो ये रहते हैं आप दो बार बन सकते हैं दो बार के बाद यू आर नॉट एलिजिबल फॉर री इलेक्शन ये भी ध्यान में रखना है ठीक है दामिनी, कैश नहीं चलेगा पेटीएम करो ठीक है या गूगल पे या भीम या पे, ठीक है अब देखते हैं यूएनएचआर से ये क्या है इंटर गवर्नमेंटल बॉडी विद इन यूएन सिस्टम एक ये चीज ध्यान में रखनी है यहाँ पे एनजीओ वाला सिस्टम नहीं है ठीक है यू एन एच आर से आपकी इंटर गवर्नमेंटल बॉडी हो जाती है ये हो गया उसके बाद देखो केनिया एंड सोमालिया ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपका डिस्प्यूट चल रहा है इंडियन ओशन में केनिया और सोमालिया के बीच में ये जैसे मान लो ये केनिया है ये सोमालिया है तो जो बाउंड्री आपका यहाँ पे आना था मतलब मेरेटाइम बाउंड्री क्योंकि मेरेटाइम में रिसोर्सेज बहुत होते हैं तो कितना कैसे यूज करेंगे वहां पे पेट्रोलियम नेचुरल गैस आपको मिल रही है तो उसमें इन दोनों में डिस्प्यूट चल रहा है केनिया कह रहा है कि मतलब जैसे एक मिनट देखते हैं इसको देखो आईसीजे में ये गए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में तो ये कंटेस्ट आ, किया कि मैरिटाइम बॉर्डर जो है दोनों के बीच में क्या रहेगी ठीक है तो सोमालिया को राइट मिल गए थे ओवर मोस्ट ऑफ द ऑयल रिच चंक ऑफ इंडियन ओशन तो केनिया ने उसको रिजेक्ट किया ठीक है ये अपना था अब देखिए डिस्प्यूट किसके बारे में है एक ये आ, मैप है ये देख लेते हैं देखो यहां पे सोमालिया ये अपना केनिया तो ये जो बाउंड्री है ये ऐसे चली आ रही है तो ये इन्होंने डॉट डॉट किया तो सोमालिया का क्लेम था कि हमें ये मिलनी चाहिए और केनिया कह रही है कि इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट करो बराबर लेके आओ 90 डिग्री पे लेके आओ और करो ठीक है तभी हम इसको करेंगे हाँ कोई इनके ठीक है सुंदर ट्रेंच इंडियन ओशन बिल्कुल से क्रिक की तरह ही बोल सकते हैं क्रिक का एक्चुअली क्या है कि सर क्रिक वो शिफ्ट होती रहती है क्योंकि पानी रिसीड करता है और उसका हमें आइडिया नहीं है कि एग्जैक्टली exactly कहाँ पे क्या रहेगा हम अलग क्लेम करते हैं वो अलग क्लेम करते हैं ऐसे यहाँ पे क्या है कि इनकी जो बाउंड्री ऐसे है तो अगर ये वाला इतना बड़ा जो ट्रायंगुलर एरिया है ये सोमालिया को दे दिया अब यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं तो ये इसीलिए मतलब कंटेस्ट कर रहे है कि नहीं नहीं हमें ये नहीं चाहिए तो मतलब नहीं मानेंगे केनिया वाले मानने थे हमालिया ओपन द केस अगेंस्ट केनिया दो हजार चौदह में इंडियन ओशन यहाँ पे जो भी ऑयल uh, और गैस रिजर्व थे लगभग एक लाख स्पैयर किलोमीटर का ये एरिया था ये ध्यान में रखना है ठीक है वेयर इज द डिस्प्यूटेड एरिया ये अपन ने देख लिया है दोनों के बीच में और डायरेक्शन को लेकर इनमें डिस्प्यूट चल रहा है वो अपन ने देख लिया है। ठीक है बाकी इसमें क्या है क्या नहीं है वो सारा का सारा एक हिस्ट्री से दे रखी है उसमें कुछ नहीं जाना बस ठीक है इतना ही ध्यान में रखो अगर ज्यादा से ज्यादा देखो हम क्या कर सकते हैं तो केनिया इज़ नैरोबी कैपिटल और यहाँ पे मोगदिशु हमालिया ये भी ध्यान में रख लेना बस ठीक है इतना ही हेडक्वार्टर है आईसीजे का बिल्कुल सही और वो मुझे बताओ अ जमाइका में किसका था जमाइका किंगस्टन बताओ क्योंकि अपन मैरीटाइम डिस्प्यूट वगैरह वाला डिस्कस कर रहे हैं तो उसी से रिलेटेड बताइए। फिर अभी अपन करते हैं नेक्स्ट यूनिट गवर्नमेंट स्कीम्स यस वेरी गुड सुमन सी बैड इंटरनेशनल सी बैड अथॉरिटी ठीक है अपना हो जाएगा अब देखो पहला पीएम पोषण अभियान यहाँ पे पोषण अभियान अपना न्यूट्रिशन वाला चल ही रहा है यहां पे इन्होंने क्या किया कि मिड डे मील स्कीम हैज हाँ बिन रीनेम्ड एज पीएम पोषण अब इसमें देंगे क्या देखो हॉट कुक्ड मील ध्यान क्या रखना है हॉट गवर्नमेंट गवर्नमेंट एडेड ये ध्यान में रखेंगे यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट में ही मिलेगी गवर्नमेंट एडेड में भी मिलेगी ठीक है प्राइमरी और अपना कहां तक क्लास वन टू क्लास एट तक थर्ड चीज ये ध्यान में फोर्थ क्या ध्यान में रखेंगे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम सेंट्रल सेक्टर जो स्कीम है वहां पे हंड्रेड परसेंट सेंटर देता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो स्कीम है कुछ हिस्सा सेंटर देगा कुछ हिस्सा आपका देगा। तो ये अपना चलेगा ठीक है तो इसका फुल फॉर्म क्या है पोषण शक्ति निर्माण तो ये है पोषण पोषण में भी पोषण पोषण शक्ति निर्माण दो हजार इक्कीस बाईस से लेके पच्चीस छब्बीस तक का ये इन्होंने कर दिया मिड डे मील सोशल तो ऑडिट होता था कि मिड डे मील में यस ठीक है आपका पी आर आईज करते थे पंचायत करती थी मदर्स भी करते थे कई जगह थे, पे ठीक कुकिंग कंपटीशन वगैरह भी हमारे कराए जाएंगे ये भी चीज ध्यान में रखेंगे उसके अलावा देखो एफ पी ओ वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप इनको भी काम में लिया जाएगा क्यों क्योंकि आपको खाना जो है अच्छी क्वालिटी का मिल सके फिर हमें पता है तिथि भोजन जैसी जो चीज़ होती है मान लो किसी आ, का बर्थडे है ठीक है तो इस टाइप से तो एनकरेज पीपल फॉर कम्युनिटी डाइनिंग टाइप ऑफ स्पेशल फूड टू द चिल्ड्रन ऑन ओकेजन्स ओकेजन्स लाइक बर्थडे हो गया किसी का या फिर मतलब जो हमारे आ, हॉलीडे टाइप भी हो सकते हैं फेस्टिवल्स भी हो सकते हैं तो उसमें ये ऐसा करा है, ठीक है इतना ध्यान में रखेंगे यहाँ पे चार पांच चीजें याद रखनी वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है अगला देखो नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट अब यहाँ पे नाम से पता चल रहा है नेशनल तो एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट एक्सपोर्ट्स को इंश्योर करने के लिए तो कैबिनेट ने इसमें अप्रूव किए हैं सोलह सो पचास करोड़ अगले दस साल में ये इन्फ्यूज करेंगे बेसिकली क्या होगा देखो ये एक ट्रस्ट बनाया गया है नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट ट्रस्ट दो हजार छः में टू प्रोमोट प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडियाजिक एंड नेशनल इम्पोर्टेंस यहाँ पे बेसिकली हमारे पास मीडियम एंड लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स रहते हैं प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट बेसिकली क्या है कि पूरा का पूरा जो हमारा सिस्टम है मतलब पूरा का पूरा जो आपका प्रोजेक्ट है उसको एक्सपोर्ट किया जाएगा ठीक है तो ये आपका मतलब हम आ, सारी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित और ह्यूमन रिसोर्स से संबंधित सब के सब एक्सपोर्ट करके वहां पे तुरंत अपन कर देते हैं ठीक है सुमन यस महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा एंड राहुल बिल्कुल सही कह रहे हैं फाइन वाला जो सिस्टम है उससे डिसिप्लिन आता है इसीलिए हमने इसको शुरू किया है अब देखते हैं एन ई आई ए परफॉर्म्स परफॉर्मेंस हाईलाइट इसको अपने को कुछ नहीं करना देखो ठीक है नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है इट इज अबाउट प्रधानमंत्री बीजेपी बीजेपी क्या है भारतीय जन औषधि परियोजना अभी इन्होंने क्या कहा है कि जो हमारा इन्होंने टारगेट रखा था कि भाई इस साल में 2020-21 में आपने जितनी ओपन करनी थी तिरासी आउटलेट तो इन्होंने छह महीने में ही अचीव कर लिया पहली जैसे एक तो ये ध्यान में रखना है नंबर वन इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है फार्मास्यूटिकल मेडिकल डिवाइस ब्यूरो ऑफ इंडिया तो यहाँ पे फार्मास्यूटिकल यानी ड्रग्स मेडिकल डिवाइस क्योंकि इसमें दोनों ही मिलते हैं ठीक है मेडिकल डिवाइस भी मिलेगा ठीक है अंकित अंकित की बातों को एक कान से सुनना चाहिए दूसरे कान से निकाल देना चाहिए तो फिर अब अपना ये क्या रहेगा देखो ये दोनों ध्यान में रखेंगे फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो पहली चीज फिर इन्होंने टारगेट कर लिया सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर हो गई है यस सेकेंड चीज ये ध्यान में रखेंगे फिर यहाँ पे आपके पास देखो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं ड्रग्स भी हैं ऐसा नहीं है कि पीएम बीजेपी के जो आउटलेट्स हैं देखो जेनेरिक जो ड्रग्स हैं उनको ये प्रमोट करना चाहते हैं जेनेरिक और ब्रांडेड में फर्क सिर्फ इतना ही होता है ब्रांडेड में आप ब्रांड करते हो मार्केटिंग करते हो तो उस हिसाब से आपको थोड़ा सा पैसा ज़्यादा खर्च करना पड़ता है और पैसा ज़्यादा खर्च करोगे तो आप प्राइस भी बढ़ा दोगे जबकि जेनेरिक में ऐसा नहीं होता जेनेरिक में क्या है कि सिर्फ ड्रग के नाम से ही हम उसको बेचते हैं तो प्राइस कम होता है क्या एफिकेसी बायो सेफ्टी इन सब में कोई फर्क होता है नहीं ऐसा कोई भी फर्क नहीं होता तो हम उसको अवॉइड कर सकते ठीक है तो ये हमारा है इसी में फिर अपना क्या आएगा जन औषधि सुगम ये भी एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिनसे इनको पता चल जाएगा कि भाई कहाँ पे आपका फैसिलिटी है दवाई वगैरह लेनी है तो उस हिसाब से इनके प्राइस फिफ्टी टू नाइनटी परसेंट कम रहेगा अलग अलग जगह पे अलग अलग इसके ऑब्जेक्टिव क्या है मिशन क्या है ये हमारी मेन्स की जनरल बकवास है हमें कुछ नहीं करना ठीक है हम प्रे के हिसाब से थोड़ा ज्यादा फोकस कर रहे हैं क्वालिटी मेडिसिन मिलेंगी क्वालिटी जेनरिक मेडिसिन मिलेंगी तो आपका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा अवेयरनेस क्रिएट करनी है डिमांड जेनरिक मेडिसिन की हमें जनरेट करनी है यही इनका मिशन है अवेयरनेस डिमांड अवेयरनेस एजुकेशन कॉमन ठीक है हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स और ये सब विजन भी यही है विजन इज बेसिकली अफोर्डेबल प्राइस पे आपको मेडिसिन प्रोवाइड कराई जाएंगे दैट्स इट ठीक है मनी ऑफ आर बी आई सुमन को जो ध्यान आ रहा है शेयर करते जा रही है दैट्स गुड ठीक है तो मनी हमारे आर की एप्लीकेशन है तो मन ने बता दिया है बाकी लोग ये बताइए कि भाई मनी जो एप्लीकेशन है वो किस चीज के लिए है आरबीआई अमृत औसत ध्यान है पिचहत्तर साल हो रहे हैं सब कुछ अमृत महोत्सव अमृत महोत्सव में अपना चल ही रहा है ठीक है बताओ नेक्स्ट जो अपनी न्यूज़ है people, है इट अबाउट अमृत देखो ब्लाइंड पीपल ठीक नींद आ जाएगी कोई नहीं ठीक है बीच बीच में लिखते रहो फिर ठीक है अब देखिए टू पॉइंट ओ यहाँ पे क्या है कि अमृत अपने को पता ही है जो अटल मिशन फॉर रिजलाइजेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन टू पॉइंट ओ पानी की जो सप्लाई है यूनिवर्सल करने के लिए पहले भी इन्होंने कहा था बट कम था ये भी अपन ने देख लिया था वैसे एम फॉर मेकिंग इंडियन सिटीज वाटर सिक्योर एंड सेल्फ सस्टेनेबल थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी ऑफ वाटर नंबर वन क्या रहा है जैसे पहले से ही अपना चलता आ रहा है अमृत कब से चला आ रहा है जून 2015 से बट देखो इसमें सारे ही हैं ऐसा नहीं है कि पानी पानी बट हाँ वाटर इज द की फ्यूचर वाटर सप्लाई सीवेज फैसिलिटी इसके इशूज चलेंगे ही चलेंगे ठीक है पाँच सौ सिटीज में हमने इसको लॉन्च किया था बट नौ जो हमारा टारगेट है टू पॉइंट ओ का ये सारे के सारे चार हजार तीन सौ अठहत्तर टाउन यूनिवर्सल कवरेज ठीक है भूपेंद्र गुड मॉर्निंग तो ये अपना रहेगा अब इसमें बस अपने को इतना ही ध्यान में रखना है इसमें एक ये भी आया था ना पेजल सर्वेक्षण सर्वेक्षण में क्या है बेसिकली कंपटीशन टाइप आपने कितना अच्छा कर लिया मैंने कितना अच्छा कर लिया और वैसे इट विल एनकरेज कम्पिटिशन अमंगज और बैंक मार्किंग अर्बन वाटर सर्विसेज कि भाई कौन सी सिटी कितनी अच्छी सर्विसेज दे रही एरिया इतना ध्यान में रखना है बस एक सिंगल लाइनर देखो कुछ क्वेश्चन सिंगल लाइनर अपने को इंपॉर्टेंटली याद रखना है कुछ में अंदर की तीन चार बातें पता होना चाहिए ठीक है फिर हमारा अगला आ रहा है रिवर रेंचिंग प्रोग्राम यहाँ पे बेसिकली क्या है कि कुछ रिवर्स में अपन रेंचिंग या फिर फिश फिशरी मिशन फिंगरलिंग याद है तो फिंगरलिंग में क्या था अपना कि भाई हमने उसमें छोटी 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 मछली डाल दी अब वो बड़ी हो जाएंगी तो फिर अपन उसको रेंच कर लेंगे निकाल लेंगे ठीक है वेरी गुड आनंद एक अपन ऐसे ही रखेंगे रेंडमली सारे के सारे स्कीम्स और उनका रिविजन भी रखेंगे ठीक है इस बार अपन क्वेश्चन आंसर से ही करेंगे अभी मेरे को दो तीन अच्छे अच्छे मिले जैसे पॉलिटी का देखा तो एक एनवायरमेंट का बहुत अच्छा क्वेश्चन बैंक मिला है वी विल ट्राई टू डू दैट एक इकोनॉमी का बहुत अच्छा क्वेश्चन बैंक मिला है फाइव फिफ्टी क्वेश्चन हैं उसके तो वो बहुत अच्छे अच्छे हैं तो उनसे ही अपन करेंगे ठीक है वो मैं प्रोवाइड करा दूंगा जिनके हैं वो और एनवायरमेंट की बुक के बारे में भी मैं बता दूंगा अब देखिए ये किसने लॉन्च किया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाँ मिनिस्टर ऑफ फिशरीज एनिमल डेयरी प्रोडक्ट यूपी में लॉन्च किया यूपी में कहा से रिज घाट गर मुक्टेश्वर उत्तर प्रदेश कौन कौन से स्टेट इसमें इन्वॉल्व है यूपी उत्तराखंड ये तो दो, दो हो गए उड़ीसा छत्तीसगढ़ एंड त्रिपुरा त्रिपुरा देखो कहाँ है बट इसको भी इन्वॉल्व किया गया है तो ये ध्यान में रखेंगे इस वाले में उधर भी ठीक है तो पे हो गया फिश कैच को इंप्रूव करना है यहाँ पे उत्तराखंड में जैसे ये ध्यान नहीं रखना बस समझने के लिए कि लाख डाली गई चांदी घाटी रिवर गोमती रिवर में डाली गई थलई सारे नहीं ध्यान रखनी कुछ नहीं ध्यान रखना हल्का फुल्का बस ये ध्यान में रखोगे ठीक है कौन तो कौन से स्टेट इन्वॉल्व है एंड हमारी मिनिस्ट्री कौन सी इन्वॉल्व है दैट्स तो ये अपने हो गए ठीक है और कुछ नहीं ध्यान में रखना कौन सा डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एंड एनिमल हजबेंडरी ये भी अपना हो गया बाकी ये कुछ नहीं है ये जनरल बकवास है अपने को इसमें कुछ नहीं करना अगला था एम्प्लॉयमेंट स्कीम ये भी ज्यादा कुछ नहीं है बस इसमें यह था कि तमिलनाडु तो इम्प्लीमेंट अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम ये आप मीनस में कहीं पे यूज कर सकते हो कि यहाँ पे जैसे कि इनके जैसे ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन और ये सब तो इन्होंने अर्बन एरिया आइडेंटिफाई करके वहां पे एम्प्लॉयमेंट स्कीम फोकस करने के लिए बोल रहा था और उसमें एक दो चीजें बस ये ध्यान में रखेंगे कि 50% आप वुमेन के लिए यहां पे कर रहे हैं कि नो लेस देन 50% आप किसको देंगे काम वुमेन को तो ये वाला एग्जाम्पल याद रखना है बस ठीक है और ये रिकमेंडेशन करी थी सी रंगराजन में आगे जैसे अपने पास रूरल एरिया के लिए है मनरेगा वैसे ही अर्बन एरिया में एक ये स्कीम लेके आना चाहते थे दैट्स इट ठीक है और कुछ नहीं है ये एमसीक्यू वगैरह है ये आप लोग देख लेंगे ओके नेक्स्ट लास्ट जो हमारा टॉपिक है आज का दैट इज देखो ये पूछा जा सकता है इट इज यू फिल ठीक है इंटरेस्टिंग है नया है कोई भी चीज इंटरेस्टिंग और नई होती है तो उसके चांसेस होते हैं वो सिंगल लाइनर में डेफिनेटली पूछी जा सकती है तो यहाँ पे क्या है कि जैसे पेट्रोल फिल करने गए तो एक जैसे प्री फिल्ड जैसे जरीकन मान लो ठीक है प्री फिल्ड आपने कंपार्टमेंट्स बना रखे आपने टक किया वो पूरा पूरा पेट्रोल गया अपना 25 अगस्त 2005 मन रहेगा मनरेगा ठीक है सुमन थैंक यू अगस्त का मतलब डेट का तो पता नहीं 2005 से आई ग्री अब देखिए नेक्स्ट अब यहां पे क्या है कि बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ऑटोमेटेड फ्यूलिंग टेक्नोलॉजी अब यू फिल फॉर कस्टमर कस्टमर वहां पे जाएंगे मतलब टिक करो पूरा का पूरा ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा तो इसमें यह नहीं है कि भाई कम होगा ज्यादा होगा नहीं आपको जितना है उतना मिल जाएगा जैसे आपने देखा है कि जो वेंडिंग मशीन होती हैं कि भाई आपको 300 ml एम कॉक चाहिए 500 ml चाहिए तो आप 300 वाला बटन दबाओगे थ्री तो हंड्रेड आएगा वाला दबाओगे तो 500 आएगा। तो आएगा। पे ये नहीं है कि आपको पैसे का डाल दो दो, के हिसाब से, भी आप बोल से। है? तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड पब्लिक सेक्टर है हमारी पेट्रोलियम एंड गैस में इन्होंने लॉन्च किया है यू फिल आप ही फिल तो, फिल। तो ये एडवांटेज ले रहे हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी का एलिमिनेट द नीड टू लुक फॉर जीरो क्योंकि अपन से से देखो कहीं से भी स्टार्ट करो लो बीस एड तो कर दिया ठीक है एक फिल्ड चीज आप इसमें कर रहे हो इट ठीक है ध्यान रखना है बीपीसीएल और कुछ पेट्रोल फिलिंग से रिलेटेड ये चीज है ऐसा है ठीक है पैंसठ सिटीज में लॉन्च करी गई है इट्स नॉट लाइक ऑल ओवर इंडिया इसमें आपको क्या कोई एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है नहीं कोई डाउनलोड नहीं करना पेमेंट इज ऐप एग्नोस्टिक है आप जीपे पेटीएम पेमेंट कहीं से भी कर सकते हैं वाउचर कोड के थ्रू भी कर सकते हैं ये रहेगा बस यहाँ पे क्या है कि डिलीवरी यूनिट ऑटोमेटेड प्री डिटरमाइंड फॉर फ्यूल वैल्यू पेड बाय इट इन एडवांस एंड एलिमिनेटिंग एनी मैनुअल इंटरवेंशन एट द पॉइंट ऑफ जितना आपको चाहिए उतना पहले से ही होके आ जाएगा नेक्स्ट इज इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो हमारे इसके लोन देता है प्राइवेट सेक्टर के लोन देता है ना आई एफ सी ठीक है तो ये न्यूज में था आई एफ सी स्टेक्स इन फेडरल बैंक लिमिटेड रिजल्ट इन नो न्यू गोल कमिटमेंट नरेगा ठीक है वो नरेगा मनरेगा कोई ऐसी वो बड़ी बात नहीं है बाकी प्रिया गुड इंफॉर्मेशन हाँ, वो अपना बाद में चेंज किया गया था ठीक है पर वही है है सेम ही चलो प्राइवेट हाँ बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर ठीक है अब देखो नेक्स्ट इसमें और कुछ नहीं था वैसे कि भाई इंडिया इसमें बेसिकली कोल से रिलेटेड अपन देख लेते हैं क्योंकि कोल की रिक्वायरमेंट हमारी ज्यादा रहती है तो अपन इसको देखेंगे कि भाई इंडिया की जो लार्जेस्ट अगर अपन देखें इन्होंने पैसे तो दे दिए बट फिर भी मतलब लोन वगैरह भी दे दिया बट कोल नहीं ले रहे हैं ज्यादा से ज्यादा क्यों इंडिया की लार्जेस्ट जो हमारी पावर कंपनी है एन बार बार अपन नाम सुनते हैं नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड हैज नॉट कंसेप्चुलाइज एनी न्यू कोल बेस्ड थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स ठीक है लास्ट पांच साल में अपना कोई भी कोल बेस्ड नहीं रहा है पहली चीज तो ये अब कम कर रहे हैं अब कोल की कुछ रैंकिंग देख लेते हैं कि किस किस के बेसिस पे अपना क्या रहेगा ठीक है ये अपने को पता ही है इनकी लोकेशन जैसे एंथ्रासाइट है इट इज इन हार्ड पिटल ब्लैक लस्चरस हार्ड कॉल है इसका भी ये बताइए लोकेशन वट इज द फेमस लोकेशन जहां पे हमारा एंथ्रेसाइट कोल मिलता है यस बिल्कुल प्रिया ठीक कह रही मतलब वो वही बताना चाह रही थी प्रिया भी कि भाई मनरेगा बाद में आया दो हजार नौ के बाद ठीक है चलो गुड ठीक है बबीता यस बताओ लोकेशन एंथ्रेसाइट की बताओ और लिग्नाइट की बताओ जो हमारा फेमसली हम देखते हैं ठीक है जे एंड के जम्मू एंड कश्मीर ठीक है अब उसके बाद यह हमारे यहां पे क्या है बिटोमिनस ये सेकेंड कैटेगरी का अपना होता है हाई हीटिंग बी टी यू हाई हीटिंग वैल्यूज की होती है एनर्जी जनरेशन में काम आता है स्पेशली जो हमारा टीम बना के हम क्या करते हैं एनर्जी जनरेशन ठीक है स्टील मेकिंग में भी काम आता है ब्लॉकी टाइनी स्मूथ ये होता है आपका फिर हमारा क्या है लिग्नाइट ठीक है लिग्नाइट क्या है जिसको ब्राउन कोल भी बोलते हैं लोएस्ट ग्रेड ओके, okay. तो अपने चलेंगे लेगनाइट तमिलनाडु वाला था नेवेली, ठीक है? नेवेली वाली ठीक है very good and very good तो ये अपना रहेगा। उसके अलावा तो ये अपने हो गए हैं नेक्स्ट जो आपकी न्यूज थी मिसलेनियस में इट इज अबाउट टेरेस्ट्रियल वाटर स्टोरेज जो हमारा ऊपर जमीन में वाटर स्टोरेज रहता है अलग अलग फॉर्म्स में लेक की फॉर्म में रिवर की फॉर्म में या फिर कैसे भी सरफेस वाटर हमारा कम हुआ है हर जगह ठीक है एंड इंडिया अगर हम एक दो जगह को छोड़ दें जैसे अंटार्क्टिका वगैरह ग्रीनलैंड तो इंडिया में हाईएस्ट लॉस ग्लोबली इंडिया रिकॉर्डेड द हाईएस्ट लॉस इन टेरेस्ट्रियल वाटर स्टोरेज ये एक रिपोर्ट आई थी टेरेस्ट्रियल वाटर स्टोरेज ड्रॉप्ड एट रेट ऑफ वन सेंटीमीटर पर ट्वेंटी ईयर यानी हर 20 साल में एक सेंटीमीटर आपका लॉस हो रहा है पूरे सरफेस के हिसाब से देखेंगे तो इट्स वेरी बिग ठीक है एंड इट्स न्यू रिपोर्ट 2021 स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विस बाय वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन सवाल बताएंगे कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बताओ उसके अलावा बिगेस्ट लॉसेस हमारे कहाँ हैं अंटार्कटिका ग्रीन लैंड वगैरह बट कंट्रीज के हिसाब से अपन देखें पॉपुलेशन के हिसाब से अगर अपन देखें तो यहाँ पे, जिसमें अपना हरियाणा और ये सब वाला रीजन सबसे ज्यादा रहेगा कई कई जगह पे तो देखो थ्री सेंटीमीटर लॉस भी है कई कई जगह पे फोर सेंटीमीटर पर ईयर लॉस भी है आई एम ओ इंडियन मेटेरोलॉजिकल है वो पुणे वाला आई एम जैनवा ठीक है गुड पुणे में इंडिया वाला ओके okay. अब देखिए यहां पे क्या है कि टॉप मोस्ट हॉटस्पॉट ऑफ टी डब्ल्यू एस लॉस टेरेस्ट्रियल वाटर लॉस न इंडिया सबसे ज्यादा मैक्सिमम आपका लॉस हुआ है और टी डब्ल्यू एस हमारा ऑफ ऑल द वाटर ऑन द लैंड सरफेस एंड इन द सब सरफेस दैट इज सरफेस मॉइचर स्नो आइस एंड ग्राउंड टेरेस्ट्रियल में ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरफेस वाटर ही है सब सरफेस भी है ये भी ध्यान में रखेंगे जो मेरा मिस हो गया था ठीक है ये दोनों चीज़ें आपकी आती हैं अब देखिए ये इमैक्ट आप मेंस के हिसाब से थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे पर कैपिटा जो वाटर अवेलेबिलिटी है इट इज रिड्यूसिंग हम जैसे दो की अगर बात करें तो अट्ठारह के आसपास अपना था ठीक है दस साल में ही 300 क्यूबिक मीटर आपका डिक्रीज हो गया है जो कि फर्दर 1300 पे भी पहुंच जाएगा 2020 तक ठीक है यानी सिचुएशन थोड़ी सी गड़बड़ हो ही रही है अगला क्या है क्लीन हेल्दी एंड सस्टेनेबल एनवायरमेंट अ यूनिवर्सल राइट UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम हमारा है उन्होंने कहा है कि भाई आप इसको कंसीडर करें रेजोल्यूशन की राइट ऑन हेल्थ जैसे अपना राइट टू हेल्थ है अंडर आर्टिकल ट्वेंटी वन के एम्बेट में ठीक है सारे की सारी चीजें आती हैं तो ये इन्होंने बस कहा कि आप क्लीन एनवायरमेंट के लिए भी बात करो वैसे ट्वेंटी वन के अंडर हमारा ये भी आता है राइट टू एनवायरमेंट भी हमारा आता है वो भी ध्यान में ठीक है फर्स्ट कॉन्फ्रेंस जो आपकी हुई थी नाइनटीन सेवनटी टू यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द क्लाइमेट एनवायरमेंट ठीक है इन स्टॉक होम अब देखो ये एनवायरमेंट वाली जितनी भी डिक्लेरेशन है स्टॉक डिक्लेरेशन बॉन्स कन्वेंशन सारे के सारे अपने को पता होने चाहिए ठीक है इनको अपन एक साथ भी एक में भी देखेंगे बाकी वो उसमें तो है ही ठीक है द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस जहां पर एनवायरमेंट को मेजर इशू किया गया इन्होंने स्टॉक होम डिक्लेरेशन साइन करी इस डिक्लेरेशन में क्या था ट्वेंटी प्रिंसिपल इन्होंने करे एनवायरमेंटल रिकॉगनाइज को इंटरनेशनल कंसर्न फॉर फ्रंट पे भी रखा गया जैसे कि एयर वाटर और ओशन या फिर वेलविंग ऑफ पीपल इन सब के लिए था ठीक है यू एन ई पी हेडकोार्टर केनिया नेरो अच्छा ये बताओ स्टॉक होम डिक्लेरेशन बेसिकली एक दो याद करी थी अपन ने रोटर डैम 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 से क्या निकल रहा है प्लस स्टॉक होम स्टॉक होम ये तो चलो जनरल एनवायरमेंट के बारे में है बट एक हाँ स्पेसिफिकली स्टोक होम डिक्लेरेशन किसको प्रोहिबिट कर रही है वो बताओ ये दो सवाल है आपके लिए यू हैव टेन सेकेंड रोटर टाइम एंड स्टोक होम देखो कार में कार में एलमो बैठा हुआ है लिविंग मोडिफाइड ऑर्गेनिज्म ठीक है सॉरी कार वो भी है बट बाय सेफ्टी ठीक है और उसके जीन्स जो एलमो है उसके जीन्स ये दोनों इसी से ही रिलेटेड है एक्चुअली जो हम जेनेटिकल मॉडिफिकेशन करते हैं उन्हीं से ही रिलेटेड है हमारे दोनों कार्टाजीना और ये तो वहां पे जो बायोसेफ्टी को कंसर्न को ध्यान में रखता है दैट इज कार्टाजीना आपने कुछ डेवलप किया तो वो सेफ होना चाहिए ऑल्सो अगर उसका जो जेनेटिक रिसोर्स शेयरिंग वगैरह से रिलेटेड है तो जीन किसकी है नाग की तो नाग होया प्रोटोकॉल ठीक हैम पीओपी वेरी गुड भारती एंड केमिकल ठीक है तो स्टॉक होम में क्या है क्या स्टॉक करके रखा है पीयूपी ठीक है तो और ऐसे और डैम से क्या निकल रहे थे हार्मफुल केमिकल ऐसे याद किया था ना डैम से हार्मफुल केमिकल वेरी गुड ठीक है ये अपना हो गया है देखो दो चीजें बताता हूँ देर आर टू थिंग्स एक तो हम सौ क्वेश्चन के पीछे भागे एक हम फाइव क्वेश्चन से तैयार कर लो ठीक है जितना अपन करेंगे कम ही आए पर कट ऑफ उतना ही कम चला जाता है यही फर्क रहता है बस और कुछ नहीं रहेगा पर अगर हम कई बार क्या होता है जैसे 2021 वाला ही पेपर देख के कई बार क्या होता है कि हाथ पर फूल गए ऐसा लगा कि ये भी नहीं पढ़ रखा ये भी नहीं पढ़ रखा ठीक है तो उसमें आपको उतना दिमाग ज्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं है कि यार ये कहाँ से करूँ कहाँ से करूँ नहीं करना ठीक है उसको भूल जाओ कोई नहीं कर सकता जो स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं जो सब लोग करते हैं गुड सोर्सेज उन्हीं को ही करेंगे वहाँ से जो सवाल पूछा जाए एटलीस्ट वो हमारा गलत ना हो जैसे ही वो आपका गलत नहीं होगा आप ऑटोमेटिकली आपका सिलेक्शन हो जाएगा देर इज नो प्रॉब्लम विद दैट ठीक है तो इसीलिए बार 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 उन्हीं पे ही अपने को फोकस करना है रिविजन सेम चीज का क्वालिटी ही बार बार रिवाइज करनी है ठीक है ना कि नया सोर्स ऐड करना तो हम अब जब क्वेश्चन वगैरह भी करेंगे तो हम उसी के ही कर रहे हैं जैसे लक्ष्मीकांत के अपन क्वेश्चन करेंगे ऐसे इकोनॉमिक है जो अपन ने पढ़ा है उन्हीं सोर्सेज के ही और डिफरेंट भी ठीक है हो रहेगा अब देखो वन ऑफ द मेजर ये क्या रहा रिजल्ट ऑफ स्टॉकहोम की भाई आपका बाद में यूएनईपी भी बनना था अब अगली जो न्यूज थी न्यू क्वाड क्वाड तो अपने को पता ही है कि भाई चार देश जो आके हमारा जो मैराटाइम सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन और इन सब पे ये लोग बात करते हैं अब ये डिफरेंट काइंड ऑफ है इंडिया इसराइल यूएस यू ये एक इंटरनेशनल फोरम फॉर इकोनॉमिकल कॉपरेशन लॉन्च करना चाहते हैं बस इकोनॉमिकल कॉपरेशन इसराइल के साथ बेसिकली थोड़ा सा मिलकर काम करना चाह रहे हैं तो ये ध्यान में रखोगे ठीक है और कुछ नहीं है वर्चुअल मीटिंग इनकी हुई थी फॉरेन मिनिस्टर्स की ठीक है वर्चुअल मीटिंग एंडेड विद द डिसीजन टू लॉन्च इंटरनेशनल फोरम फॉर इकोनॉमिकल कोऑपरेशन टू हार्नेस द यूनिक वे यूनिक एर ऑफ कैपेबिलिटीज नॉलेज एक्सपीरियंस जनरल इंडियाज मूव जो है इसमें यू एस यू ए और ये इट रिफ्लेक्टेड वॉट थोड़ा सा हम इसराइल की तरफ जा रहे एडवांटेज ऑफ एब्राहिम अकॉर्ड्स टू डी एंगेजमेंट विद इसराइल और अब्राहिम अकॉर्ड हमारे क्या थे जैसे इसराइल ने एक्ट किया था बैराइन के साथ यू के साथ ठीक है एंगेजमेंट हम धीरे 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 बढ़ा रहे हैं तो ये अपना हो जाएगा ये है बाकी जो हमारा पुराना वाला क्वाड है उसमें कौन कौन है यूएसए इंडिया ऑस्ट्रेलिया एंड जापान फ्री ओपन प्रोस्परस इंडो पैसिफिक के लिए अपन बात कर रहे हैं इंक्लूसिव ठीक है तो ये अपने रहेंगे एंड 2007 में सबसे पहली बार एशियान की जब मीटिंग चल रही थी तब इसको कंसेप्ट मतलब बात करी गई ठीक है बिल्कुल आता हुआ गलत नहीं होना चाहिए वही चीज़ है बस ठीक है एंड जर्नी इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन डेस्टिनी कल मैं एक स्टूडेंट से मिला था अपने ही बैच के ही स्टूडेंट है तो मतलब देखो इट्स नेचुरल आई एम नॉट कि मतलब हम बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते बट थोड़ा सा बात कर लेते हैं दो मिनट के लिए आज का अपना कंप्लीट हो ही गया है फिर वी विल वाइंड अप तो मतलब होता है टेंशन होती है मेजर कि सर अनएम्प्लॉयड है कुछ नहीं है इंडिपेंडेंट नहीं है ठीक है तो देखो यहाँ पे अगर आपके पास कोई सपोर्टिव सिस्टम है फैमिली है घर वाले कोई भी सपोर्ट कर रहे हैं तो गुड है ठीक है उसको ज़्यादा लोड नहीं लेना कि यार घर वालों से पैसा ले, ले, ले रो ले रो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है आप अपने भविष्य के लिए ही ले रहे हैं और फिर आप अपनी फैमिली को भी हेल्प करेंगे ठीक है बट अगर फिर भी आपको लगता है कि भाई आपको कुछ करना चाहिए तो यू रिकोगनाइज कि आप क्या कर सकते हैं ऐसा जहाँ से आपकी पढ़ाई वर्क लाइफ बैलेंस भी मेंटेन हो जाए क्योंकि देर आर मैनी पीपल हु आर आर वर्किंग एंड प्रिपेयरिंग उनमें क्या होता है आप धीरे 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 लगे रहते हैं एंड वन ईयर यू गेट कलेक्टेड लोड मत लेना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है देन अगेन व्हाट इज लाइफ एंड थोड़ा थोड़ा तो थो चलेगा क्योंकि दैट पुश इज यू ठीक है बट एक्सेस इज बैड एक्सेस अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ विच वी वॉन्ट टू लिव वो नहीं होना चाहिए ठीक है दोनों ही ऐसे रहते हैं <laughs> दूसरा की थाली में घी ज्यादा लग गया ठीक है जो डज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑथोराइज प्रेजिडेंट टू प्रोक्लेम मार्शल लॉ देखो मतलब ऑथोराइज टू प्रोक्लेम इन दैट सेंस अब मार्शल लॉ की बात जो करी गई है और प्रेजिडेंट ही करते हैं ठीक है विद द कैबिनेट और वो सब तो चलेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ और कोई इसको कर ही नहीं सकता मतलब और कौन कर सकता ऑथोराइज इन ए सेंस आपने मार्शल लॉ का प्रोविजन दे रखा है आपने उसके लिए प्रेसिडेंट ही है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गवर्नमेंट जो हमारा है वही उसको प्रोक्लेम करता है एग्जीक्यूटिव तो डिसीजन सारे के सारे आपके प्रेजिडेंट के थ्रू ही जाएंगे भारतीय ठीक है हम उसको यही मानेंगे कि हाँ इट डज जो ठीक है तो बेसिकली द पॉइंट इज आपका सारा का सारा कंसंट्रेशन आपकी पढ़ाई पे होना चाहिए इधर उधर मत करो ठीक है प्रॉब्लम्स इज अ पार्ट ऑफ लाइफ इग्नोरेंस इज ऑफ लाइफ बिल्कुल सही कह रही है। व टू बिकॉज देर आर सो मेनी थिंग्स जिनको दिमाग में डाल के दिमाग खराब किया जाता है बट कोई लोड लेने की आवश्यकता नहीं है जस्ट फोकस फोकस ऑन द प्रोसेस फोकस ऑन योर सेल्फ ट्रस्ट योर सेल्फ अपने आप पर भरोसा रखो कि ये आई कैन डू इट बिकॉज यू स्टार्टेड द जर्नी सो यू हैव द कैपेबिलिटी देर इज नो डाउट अबाउट एनी बडी हु कैन थिंक कि आई कैन डू इट ही कैन डू इट जो तो सोच ही नहीं सकता कि मैं नहीं कर सकता तो वो नहीं कर सकता ठीक है हाँ बट अगर आपने सोचा है तो आप कर सकते हैं थोड़े थोड़े तो थो डाउट्स आएंगे ऐसा तो नहीं होगा कि भाई हंड्रेड परसेंट आप बिल्कुल ही डाउट खड़े रहोगे बट वो नेचुरल है वो सबको आते हैं ऐसा नहीं है कि आपको भी नहीं आएंगे रैंक वन भी जो आया है उसको भी डाउट थे सिलेक्शन होगा नहीं होगा रैंक वन से प्री दवा दिवा के देख लो दोबारा क्या उसका हो जाएगा नहीं होगा इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोसेस ऑल टुगेदर यहाँ पे जज नहीं कर सकते हम थोड़ा सा कोई किसी में अच्छा है कोई किसी में अच्छा है तो सारी चीज़ें ठीक है तो ये अपना हो गया है अब अपन मिलेंगे वन फोर्टी फाइव पी एम पे तो तीस तक अपना रहेगा संदीप ने कहा था कि सर ढाई तक इसको किसी तरह से खत्म कर ले तो पंद्रह मिनट अपन ऊपर नीचे करके ढाई बजे तक क्लास निपटा देंगे वन फोर्टी फाइव टू टू थर्टी अपनी क्लास रहेगी दो चार मिनट इंट्रोडक्शन में भी लग जाते हैं ठीक है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जरूरी है तो दैट्स इट फॉर टुडे थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग द मॉर्निंग सेशन ऑफ अवर डाकू सीरीज मीट इन द डे टाइम आराम से मिलते हैं आर्ट एंड कल्चर रिवाइज करेंगे टिल देन अपना अच्छे से पढ़ो रिवाइज करो ठीक है थैंक यू जय हिंद